गुरुग्राम से बड़ी खबर, राम रहीम की जान को खतरे पर, सीएम का बयान आया है, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा। तो हमारी पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती है, पुख्ता काम करके रखती है। रणजीत चौटाला की अपनी पर्सनल राय है ये, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें गुरुग्राम से, आज जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री का दौरा है और इसी दौरान पत्रकारों से मिले, कई सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। राम रहीम जो अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं और उन्हीं की सुरक्षा पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस सुरक्षा के पुख्ता काम करती है, किसी को कोई खतरा नहीं है। दरअसल उन्होंने रणजीत चौटाला ने जो बात कही थी उसको उनकी पर्सनल राय बताया। बड़ी खबर इस वक्त आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ भी उन्होंने किया है और इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं, अलग अलग सवालों का जवाब उनसे लिया गया है और इसी दौरान राम रहीम की जान को जो खतरा, जो इस वक्त चल रहा है मामला, उसको लेकर उनसे पूछा गया जब सवाल, तो उन्होंने कहा कि किसी को कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई खतरे की कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, जो हमारी पुलिस है वो सक्षम है सब काम करने में, हमारी पुलिस सुरक्षा के पुख्ता काम करती है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो रणजीत चौटाला ने बात अपनी रखी है वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको लगातार गुरुग्राम से बता रहे हैं। आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर हैं। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी? आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम में हैं, शुभारंभ उन्होंने कार्यक्रम का किया है और इसके अलावा पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी देते नजर आए। जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री गुरुग्राम के दौरे पे थे जहाँ 38वीं जो घुड़सवारी है उसका, यानी कि उन्होंने आज इनॉग्रेशन किया है। साथ ही साथ हम बात करें दिल्ली चुनाव पर, उन्होंने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को निशाना साधते हुए कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो बंधारी है, उनके डमरू के भखाव में इस बार दिल्ली की जनता नहीं आएगी। क्योंकि हम बात करें 2015 की, तो जब अन्नाचार्य के कंधे पे बैठकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको अनुभव नहीं था और आज भी उनको अनुभव नहीं है और जनता यानी कि उनके भहकाव में आई थी, लेकिन इस चुनाव में जनता उनके भहकाव में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और क्योंकि और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार जरूर बने, क्योंकि मैं मुख्य प्रचारक भी वहां हूँ और मैंने जो दौरे किए हैं, जो प्रचार किया है, उससे एक तरफा बीजेपी का जो माहौल है, पिछली बार जनता से भूल जरूर हुई लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में बीजेपी का ही कमल खिलेगा। जी ठीक है। इसके अलावा संजय, इस पर भी उन्होंने कुछ कहा है, जो राम रहीम की सिक्योरिटी का मसला चल रहा है उस पर क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल पूजा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं और जेल मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उन्होंने जरूर एक बार बात उठाई थी कि जो राम रहीम है उनकी जेल में उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा की जरूरत है। तो उन्होंने यानी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उस पर भी यानी कि एक बयान दिया है, क्योंकि ये इंटरनल मामला है और साथ ही साथ उनकी अपनी जो पर्सनल राय ये जरूर होगी, लेकिन हरियाणा की जो पुलिस है और CID विभाग है वो मुस्तैद है और किसी भी तरीके की जो भी है लोगों को सुरक्षा देने की बात हरियाणा की पुलिस ने किया है और हमेशा ही जो लोग हैं उनको सुरक्षा दी है। और इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ होता है तो हरियाणा की जो पुलिस है और साथ ही साथ CID विभाग है उस पर नजर रखता है, किसी भी व्यक्ति को, या बेशक राम रहीम की बात कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा पहुंचाई जाएगी, किसी भी प्रकार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए संजय। तो किसी की जान का कोई खतरा नहीं है और पुलिस इतनी सक्षम है कि वो सभी को सुरक्षा मुहैया करवा सकती है।